एवरीवन, आई एम श्वेता त्यागी एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि है रिलेटेड टू द पीपल जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन अक्सर सीबम की वजह से होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से आपके इस एरिया में ऑयल डिपॉजिट होना शुरू होता है। और ऑयल इसलिए डिपॉजिट होता है क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट हो रहा है उनकी वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एक ऐसा पैक मैं बनाऊंगी जिसकी वजह से आपके जो ये बहुत बड़े पोर्स हो चुके हैं जिनकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है वो छोटे हो जाएंगे, उनका साइज़ कम हो जाएगा। प्लस जब आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा होता है तो आपकी स्किन होती है प्रोन किस चीज़ के लिए, रिंकल्स के लिए, पिंपल्स के लिए और एक्नेस के लिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है अपनी ऑयली स्किन की वजह से तो इस पैक को यूज़ करने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस पैक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी ये पैक किस चीज़ से बना है। ये पैक बना है चार इंग्रेडिएंट से। फर्स्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, सेकंड शहद, थर्ड कच्चा दूध मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और चौथा मैं एग वाइट यूज़ करूँगी। जो एग होता है उसका हमको येलो पार्ट नहीं लेना है, इसका वाइट पार्ट हमको इस पैक को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अभी इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है वो सभी के सभी आपको हेल्प करेंगे जो आपके पोर्स हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं वो खुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं जिसकी वजह से एक्सेस में ऑयल निकल रहा है, उन सबको ये टाइट करेगा और आपकी स्किन को भी ये टाइट करता है, इलास्टिसिटी को ये इम्प्रूव करता है। तो इट इज़ गोना बी वेरी गुड पैक फॉर एवरीबडी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन वी हैव टू यू नो पुट दीज इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ पैक, लेट्स सी इट। को बनाने के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, 2 चम्मच एग वाइट, 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच शहद। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अब कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें इसी तरीके का पेस्ट बनाना है और अपने पैक को अपने फेस पर लगाना है। तो अब टाइम आ गया है, हम जल्दी से इस पैक को अपने फेस पे लगा लेते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये पैक कुछ इस तरीके का हो गया है। ओके, तो अब हम इसको अपने फेस पे लगा लेते हैं और फेस पे लगाने के बाद लगभग हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इस पैक को लगाने के बाद हम कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमें इसे पानी से नहीं धोना है, हमें कच्चे दूध लेना है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथ पे कच्चा दूध देने के बाद अपने पूरे फेस को, फेस पैक को जो कि ड्राई हो चुका है उसे आप हल्का हल्का टच करके वापस से गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद इसको आपको स्क्रब की तरह अपने फेस को मसाज करना है। जब आप स्क्रब की तरह अपने फेस को मसाज करेंगे तो जो आपके पोर्स हैं वो धीरे धीरे टाइटन अप होंगे और आपकी स्किन में से जो डेड सेल्स हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, सब रिमूव हो जाएंगे। और क्योंकि इसके अंदर कच्चा दूध और शहद मिला हुआ है तो ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और नरिश करेगा और एक्सफोलिएट करेगा। और आप देख सकते हैं आपको कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट की मसाज मैं करके दिखा रही हूँ और इसी तरीके की मसाज आपको अपने पैक को हटाने के लिए करनी होगी। और जब ये मसाज ख़त्म हो जाए तो सिंपली आपको अपना फेस पानी से धो लेना है।
लाइव रिजल्ट्स। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मुझे अपनी स्किन एकदम सॉफ्ट, नरिश्ड और बिल्कुल ऑयल फ्री और फ्रेश फील हो रही है, ये कैन देखिए। सो आई होप आपको मेरा ये पैक बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक जो ऑयली लोगों को प्रॉब्लम रहती है, शिकायत रहती है अपने स्किन से एक्सेस ऑयल सेक्रेशन की वजह से, वो प्रॉब्लम इससे बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।